नमस्कार दोस्तों, आप यदि कोई भी ऐसी क्रोनिक बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम, यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हो और मेडिसिन भी खा रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करें? आप यदि अपनी मेडिसिन बंद करना चाहते हो या अपनी मेडिसिन कम करना चाहते हो तो इसका एक ही रास्ता है, आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल में सबसे यदि मैं सबसे ऊपर रखूं तो आपकी ईटिंग हैबिट यानी कि आपकी खाने की आदत। जब तक आप अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज नहीं करोगे ना, कोई धरती की दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास सवाल भी पूछा जाता है कि सर मैं करता तो हूँ लेकिन लंबे समय तक नहीं। आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, कुछ दिन करते हो फिर बंद कर देते हो, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, आप ईटिंग हैबिट अपने स्टार्ट की, एक हफ्ता 10 दिन आपने रोक दी, कोई बात नहीं, आप फिर स्टार्ट कर दीजिए। उसको रुकना बीच में 2-4 दिन होता है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत। देखिए, आप कोई भी काम करें शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक आदत बना ली तो वो आपकी आदत बन गई तो पूरी ज़िंदगी चलेगी, वो बीच में होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आए एक बार अपने आप ईटिंग हैबिट आपको डिस्टर्ब कर रही है, दोबारा फिर स्टार्ट करो, फिर तीसरी बार करो। लेकिन जैसे ही आप बार बार करते रहोगे ये आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। यानी कि आपने यदि ईटिंग हैबिट यानी आपने जो ज़्यादा सब्जियाँ खाना, फल खाना ज़्यादा स्टार्ट किया, जो जंक फूड है वो कम कर दिया, तो एक समय आएगा आपके सामने यदि जंक फूड रख देना और एक आपके सामने सलाद रख दें तो आप सलाद को उठाओगे। लेकिन उसको समय लगता है, आपको अपने माइंड को थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठानी पड़ेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट होगा क्योंकि अभी आप कम्फर्ट जोन में हो, थोड़ा कम्फर्ट जोन से यदि आप बाहर निकलोगे तो आप विश्वास मानिए ज़िंदगी में आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। और यदि आपने अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज नहीं किया ना तो आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी और दवाई में पैसा भी लगेगा, दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि क्या करें बिना मेडिसिन, बस अपनी खाने की आदत बदल लो। प्रकृति ने जो हमें दिया है ना, इतना दिया है, इतनी फल सब्जी दी है, इसके अंदर सब मल्टीविटामिन है, सब कुछ इसके अंदर है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। आप इसको स्टार्ट करके देखना, आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। मेरा उद्देश्य जो वीडियो बनाने का है, मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी दवाई ना खाए, दवाई के पीछे मत भागिए, नेचर के पीछे भागिए, जो हमें भगवान ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, जो प्लांट बेस्ड डाइट है ना, आप वो लेकर देखिए। यदि आपको एक महीने में ही डिफरेंस ना आए तो मुझे बता देना, कोई भी बीमारी हो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।